अलीगढ़ खैर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोमवार की प्रातः 9 बजे गोबर डालने गई किशोरी को 3 युवक लाहा के खेत में खींच ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों से पहले ही तीनों युवक भाग गए। पीड़िता के पिता ने ग्रामीणों के साथ आकर सीओ विकास कुमार को जानकारी देकर थाने में तहरीर दी। पीड़िता के चाचा ने बताया कि 14 वर्षीय किशोरी जंगल से गोबर डालकर घर लौट रही थी, तभी गाँव का ही सौरभ अपने 2 साथियों के साथ किशोरी को लाहा के खेत में खींच ले गया और उसके साथ सौरभ ने दुष्कर्म किया, जिसकी तहरीर पुलिस को दे दी है। महिला पुलिस ने किशोरी से पूछताछ के बाद डॉक्टरी परीक्षण के लिए अलीगढ़ भेज दिया है। किस तरह का मामला है? मेरी लड़की सवेरे गोबर पास में गई, सवेरे टाइम 9 बजे करीब, 9 से बाद हुए, 9 से पहले हुए, 9 बजे, उसके बाद 3 लड़कों ने मेरी लड़की के समूह जोड़े थे, कौन थे वो लड़के, कहाँ के थे? एक लड़का सौरभ था, उसका नाम मालूम है, और 2 बालक अज्ञात में, उनका नाम पिताजी का नाम है, पिताजी का क्या नाम है उसके का? मंटू जी कहते काम सुधीर है, सुधीर है। फिर अब तुम कहाँ पर आए हो इस समय? अब खैर थाने में। किस लिए आए हो? FIR दर्ज कर दो। तहरीर दे दी है तुमने? दे दी है। क्या लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? एक के खिलाफ, एक के खिलाफ है, दो लड़की पता होना है कौन है। क्या मामला है? मेरी भतीजी सुबह गोबर डालने गई थी, तो वहाँ पे गोबर डालकर लौट रही थी, तो वहाँ 3 लड़के खड़े थे, तो वो लड़के मतलब उस लड़की को खींचकर उस लाया के खेत में ले गए, और एक लड़के ने उससे रेप किया, और 2 लड़के वहाँ खड़े रहे, जो रेप किया उस लड़के का नाम सुधीर है, वो सौरभ है, सनोप सुधीर, सुधीर उर्फ मंटोली उसके पिता का नाम है। और जब लड़की ने वहाँ चीख पुकार करी, वहाँ मतलब हम लोग मतलब और भी कुछ गए, लड़की को वहाँ से लाए, तो वहाँ से आने के बाद हम कुछ गांव के लोगों की सहमति से और थाना खैर आए, वहाँ हमने अपनी FIR दर्ज कराई। क्या लोगों के खिलाफ तहरीर दी है? खैर थाने में हमने अपनी तहरीर दी है। क्या लोगों के खिलाफ दी है? एक लड़के के खिलाफ तहरीर दी है और 2 लड़के अज्ञात में। सर दुश्मन का किस तरीके का हमला थाना खैर क्षेत्र? कल थाना खैर क्षेत्र में बरखा चौकी के अंतर्गत एक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुष्कर्म पीड़िता के पिता के तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी जांच चल रही है। सर किस तरीके का आरोप लगाया? इसमें दुष्कर्म का मामला है, उन्होंने 3 लोगों पर आरोप लगाया है, एक नामजद है और 2 अज्ञात लोग हैं। आगे विवेचना चल रही है, जाँच चल रही है, जो भी प्रकाश में आएगा आप लोग को अवगत कराया जाएगा। सर कोई गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर कोई आपसी रंजिश का मामला तो प्रतीत नहीं हो रहा है? ये जांच में सामने आ पाएगा, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है।